नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई। क्या आरजेडी पार्टी टूट रही है? आरजेडी में टूट हो रही है, और ये टूट करा कौन रहे हैं? प्रशांत किशोर, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपौली पहुंचे थे। रुपौली में उन्होंने लोगों से कहा है, जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने के लिए सम्राट चौधरी उनके साथ थे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपने नीतीश कुमार का भाषण सुना है, वहां पर सभी नेता मौजूद थे, अशोक चौधरी थे, सम्राट चौधरी थे, लक्षित सिंह थी। नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि पहले तो वो यही थी बीमा भारती को लेकर, अब वो उधर चली गई है, लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर चली गई। ये सभी बातें कही उन्होंने, कैसे देखते हैं? अब तो कुछ दिन ही रह गए हैं वोटिंग को। 10 जुलाई को वहां पर मतदान है, और आज 6 जुलाई को मुख्यमंत्री जी वहां के लोगों को संबोधित कर रहे थे। जो उन्होंने संबोधन की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, मैंने मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या किया है ये सबको पता है, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से मैंने प्रयास किया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का विकास की बात हो, पुल पुलिया का विकास का हो, और खास करके महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा। तो चूंकि रुपौली विधानसभा में माना जाता है कि मुस्लिम की संख्या 45 से 48 हजार, तो मुसलमानों को लेकर के वो मुखर थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो कभी किसी को बांट करके देखा नहीं, मैंने तो विकास की इबारत लिखी और सबका ध्यान रखा। अगर ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था हर क्षेत्र में, तो मैंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके पहले भी उन्होंने अशफाक करीम को, जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको उन्होंने टास्क दिया था कि जरा जाइए रुपौली को देखिए कैसे हुआ। और खास करके नीतीश कुमार का जो ये तेवर था, वो खास करके अति पिछड़ा समाज को लेकर के, जिस समाज से बीमा भारती आती है या इनके कैंडिडेट कलाधर मंडल आते हैं। उन्होंने कहा कि बीमा भारती को तो मैंने बार बार मौका दिया और बार बार वो जीत करके आई, हमने तो मंत्रिमंडल में जगह दे दी जबकि वो बोल नहीं पाती थी। मतलब अति पिछड़ा समाज की एक नेत्री को मैंने प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वो हमें ही धोखा दे गई, और हमें जब धोखा दे गई तो धोखा देने वालों पर मैं अगर भरोसा नहीं कर सकता हूं, तो यहां के मतदाताओं को भी उन पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। उनका कहने का निहितार्थ यही था। रह गई बात कि जो मुद्दे हैं स्थानीय, उस स्थानीय मुद्दे को नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से एड्रेस किया कि जरा उस कालखंड को देख लीजिए 2005 के पहले और 2005 के बाद, जब हम सत्ता में आए तो रुपौली विधानसभा की तस्वीर बदली या नहीं बदली, जिन क्षेत्रों में आप देख लीजिए, और अगर बदली तो क्या हमने कोशिश नहीं की, हमने रुपौली को प्रायोरिटी पर नहीं लिया? ठीक है, वो प्रतिनिधि के तौर पर थी, लेकिन साधन संसाधन तो हमने मुहैया कराया। आज वो पाला बदल ली, और उन्होंने तो लोकसभा चुनाव का जिक्र कर दिया कि कैसे वो जाकर के हमारे पार्टी से पाला बदल करके चुनाव लड़ गई और तीसरे नंबर पर आ गई। मतलब जो मेरे साथ रहते हैं वो मजबूत होते हैं, और मजबूत इसलिए नहीं होते हैं कि वो मेरे साथ होते हैं, मजबूत इसलिए होते हैं कि वो विकास और विकास की जो पटकथा वो क्षेत्र में लिखी जाती है, ये लोगों को दिखता है और मतदाता फिर उस पर मतदान करते हैं। उन्होंने फिर कहा है कि आप भरोसा कीजिए हम पर, और जो भी वहां विधायक मंत्री, कई विधायक थे वहां मौजूद, कई मंत्री मौजूद थे उनके बीच में, वो बल्कि पूरा एनडीए का खेमा वहां मौजूद था। पता है कि ये चिराग पासवान भी वहां जाएंगे, जीताराम मांझी की भी वहां पर ये होगा, लगा हुआ है प्रोग्राम, वो भी वहां एड्रेस करेंगे। तो एनडीए ये बताने की कोशिश कर रही है रुपौली में कि ताकत हमारी है, और इस ताकत की बदौलत वो बीमा भारती बार बार चुनाव जीत करके आती थी, अब अगर ताकत कलाधर मंडल के साथ मेरी है तो मतदाता कलाधर मंडल के पक्ष में गोलबंद हो, और आप हिंदू और मुसलमान में मत बटिए। अगर लगता है आपको तो मैंने तो कभी किया नहीं, मैंने तो जो विकास किया है उसमें सबकी भूमिका है, सब लोगों के लिए मैंने विकास किया, इसी बात को वो जाकर के वहां आज एड्रेस कर रहे थे। और बड़ा
अटैकिंग मूड में नीतीश कुमार जिस तेवर में आज वहां एड्रेस कर रहे थे, उनका मूड जो था वो बड़ा अटैकिंग मूड था और बड़े ही अटैकिंग मूड में वहां एड्रेस कर रहे थे। तो इस तरह से माना जाएगा कि बीमा भारती को जिस तरह से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि मैंने उन पर भरोसा किया, मैंने उनको बार बार मौका दिया, वो जीत करके भी आई, मैंने तो मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन बदले में वहां से हमें क्या मिला आपके सामने, वो तो धोखा ही दी। अब कलाधर मंडल हैं हमारे उम्मीदवार, आप इनको ये दीजिए, इनके पक्ष में मतदान कीजिए और जब ये जीत करके आती हैं तो शायद फिर एक बार हम विकास की गति को और तेज करेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से बोल रहे थे, वहां पर कई मंत्री थे, सम्राट चौधरी उनके साथ थे, जो समीकरण है क्योंकि बीमा भारती वहां पर प्रचार प्रसार कर रही है, जो जानकारी है कल तेजस्वी यादव भी जाएंगे रुपौली प्रचार करने के लिए, लेकिन पप्पू यादव भी वहां एक मैटर है, मतलब एक फैक्टर है, सॉरी पप्पू यादव एक फैक्टर है, पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में ही है। पप्पू यादव क्या लगता है आरजेडी का वो साथ देंगे? कह तो रहे हैं कि हाँ कांग्रेस जिसको समर्थन करती है हम उसका साथ देंगे, तो क्या पप्पू यादव बीमा भारती में साथ देंगे? पप्पू यादव के बोल बड़े द्विअर्थी होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं लोगों की बात है। एक तरफ वो बीमा भारती से बूके लेते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब महागठबंधन में हैं तो कांग्रेस का जो स्टैंड होगा वही मेरा स्टैंड होगा, और दूसरी तरफ वही पप्पू यादव कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को वोट करना चाहिए, खास करके रुपौली के मतदाताओं को। हालांकि 20,000 से वो लीड किए थे पप्पू यादव, बीमा भारती विधायिका रहने के बाद भी रुपौली से भी लीड नहीं कर पाई थी और पप्पू यादव लीड कर गए। तो पप्पू यादव शायद इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी के इशारे का कि इस रुपौली को लेकर के लालू प्रसाद जी हमसे बात करें, तेजस्वी जी कहे कि जरा रुपौली आप देखिए, आप नहीं देखिएगा तो फिर हो सकता है कि ये चुनाव में बाई इलेक्शन में बीमा भारती परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि पप्पू यादव तो खुद चाहते थे कि कोई कांग्रेस का उम्मीदवार वहां हो जाए। पप्पू यादव तो बीमा भारती को चाहते नहीं थे, सीपीआई भी वहां चाहती थी कि हम चुनाव लड़े। इस बीच में आरजेडी ने स्टैंड लिया और वही बीमा भारती पर दाव लगाया जो बीमा भारती लोकसभा का चुनाव हार गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव बहुत खुल करके वहां आ पाएंगे। हाँ, वो एक तरह से वो मौन साध लेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी का कुछ फरमान आता है, कांग्रेस का कोई फरमान आता है तो भले उनका स्टैंड में कोई परिवर्तन हो, लेकिन हाँ तस्वीरें तो आई है बीमा भारती और पप्पू यादव साथ में हैं, बुके दे रही हैं, सम्मान पूर्वक दोनों बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रुपौली की सीट कितनी अहमियत रखती है खास करके पूर्णिया लोकसभा में, तो ये सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि को उम्मीदवार होना चाहिए, तो साफ सुथरी छवि को उम्मीदवार तो कलाधर मंडल है। अगर ट्रायंगुलर फाइट की बात की जाए तो ट्रायंगुलर फाइट में शंकर सिंह हैं, बीमा भारती हैं और कलाधर मंडल हैं, तो कलाधर मंडल बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं। कल तक शंकर सिंह के साथ मुस्लिम मतदाता थे वहां, लेकिन वो मुस्लिम मतदाता फ्रैक्चर्ड हो गए हैं जब अशफाक करीम को लगाया गया, जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को वहां टास्क दिया गया, उनको बताया गया कि भाई हमने तो आपके हितों का ध्यान रखा, आपके विकास के लिए कोशिश की, वो कुछ तो मौन हो गए हैं। तो अब उस स्थिति में देखना होगा कि किस तरह से पप्पू यादव अपना स्टैंड लेते हैं। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है तो तेजस्वी यादव के लिए तो यह सीट प्रतिष्ठा की सीट है। बीमा भारती ने पाला बदला, बीमा भारती लोकसभा चुनाव हार गई, फिर भी बीमा भारती पर आरजेडी भरोसा कर रही है, इसलिए कि वो एक अति पिछड़ा समाज से आती है, और अगर रुपौली का बाई इलेक्शन आरजेडी जीतने में कामयाब हो जाती है तो एक मैसेज जाएगा समाज में कि देखिए अति पिछड़ा के बारे में जो कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाला बदलने के बाद भी बीमा भारती ठीक है लोकसभा का चुनाव पप्पू यादव से हार जाती है, लेकिन बाई इलेक्शन में तो परिणाम में जीत जाती है। तो तेजस्वी यादव का प्रभाव है कि यादव और मुस्लिम माना जाता है ना कि आरजेडी के साथ माई समीकरण है, अब तो कुशवाहा को भी जोड़ करके देखा जा रहा है, वहां कुर्मी कुशवाहा की भी अच्छी आबादी है, निषाद समाज की अच्छी आबादी है रुपौली में, तो क्या निषाद,
क्या कुशवाहा, क्या यादव, क्या मुसलमान, और गंगोता समाज जिस मंडल समाज से बीमा भारती आती है उनका तो अपना एक अच्छा वोट बैंक है, 45,000 वोट बैंक है, जिस वोट बैंक पर माना जाता है कि अवधेश मंडल का सीधे सीधे प्रभाव रहता है। तो तेजस्वी यादव क्या इस सामाजिक समीकरण को साध करके बीमा भारती को जीत दिला पाएंगे, या कलाधर मंडल के लिए जिस तरह से लेसी सिंह को टास्क दे रखा है नीतीश कुमार जी ने, कलाधर मंडल वहां परिणाम दे पाएंगे, या ट्रायंगुलर फाइट बना पाएंगे शंकर सिंह, इंतजार करनी होगी, इंतजार करना। लेकिन एक चुनौती आरजेडी के लिए और आ गई है, क्योंकि आरजेडी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने पत्र लिखकर यह साफ कह दिया है कि जन सुराज पार्टी जो है वो बेस लेवल पर, जमीन धरातल पर आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हर जिले में जाकर जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। ये एक चुनौती आरजेडी के लिए और है, फिर कैसे सत्ता के करीब आ पाएंगे? देखिए, आरजेडी जिस पत्र को मैंने भी देखा, वो सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द और जो कह रहे हैं वो कि ये पार्टी जो है जिसने सामाजिक न्याय की पार्टी है, जिसने आवाज जीत दी, अब चीजें बहुत आगे बढ़ गई और तेजस्वी यादव उस फ्रंट पर आ भी गए हैं। विकास की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप कब तक सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द पर लोगों को जोड़े रखिएगा? प्रशांत किशोर ने एक अपने तरीके से लोगों को जगाना तो शुरू कर दिया है कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आप देखिए कि क्या आपके बच्चे पढ़ पाते हैं, जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, और जो नेता जिनकी बात को सुन करके आप उनके साथ खड़े होते हैं, मतदान करते हैं, उनको जिताते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, राजनीति में उनको क्या जगह मिलती है, आपके बच्चों को क्या जगह मिलती है। तो प्रशांत किशोर ने एक जगाने की कोशिश तो की है शिक्षा को लेकर के, मैनेजमेंट एक पार्ट है, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत से वो रूबरू करा रहे हैं कि भाई आपके हिस्से में क्या है। ठीक है, सरकार जिनकी भी बने, वो लालू प्रसाद जी की सरकार बने, आरजेडी की सरकार बने, या नीतीश कुमार की सरकार बने, आपका कितना विकास हुआ, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियां कितनी सबरी और सुधरी, बिहार का क्या हुआ? अगर ये बात लोगों को अपील करती है तो उस स्थिति में तो लोग तय करेंगे कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अपने तरीके से एक जगाने का काम कर रहे हैं। अब पार्टी तो वो खड़ा कर ही लेंगे, रणनीतिकार तो हैं ही, अनुभव भी है उनको, उनको जमीनी हकीकत भी पता है। तो आरजेडी को लग रहा है कि कहीं ये हमारे जो बेस वोट हैं, जो हमारे साथ कहीं ना कहीं से सामाजिक न्याय के नाम पर, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर खड़ी है, ये जो मतदाता है कहीं भटक न जाए, ये जो हमारे कार्यकर्ता है कहीं वो उधर न शिफ्ट कर जाए, इसीलिए उनको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वित्त पोषित पार्टी है वो। अगर वित्त पोषित भी कोई पार्टी है और वो पार्टी लोगों को वास्तविकता से अवगत करा रही है, मुझे प्रशांत किशोर जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बातें उनकी छन करके आती है जन सुराज की, तो बिहार की हकीकत तो है ही ना। और उस हकीकत को अगर जनता समझ करके, ठीक है आप ही की पार्टी सत्ता में रहे, आप ही की सरकार बने, लेकिन जनता को आप कब तक ये बरगलाते रहिएगा फाइनेंशियल क्रंच के नाम पर, कब तक कहते रहिएगा कि सरकार की एक अपनी क्षमता है, एक अपना दायरा है, हम उससे जाके नहीं कर सकते हैं। भाई मैं तो बता रहा हूं आलोक जी कि नेताओं की संपत्ति कैसे 5 गुनी 10 गुनी 20 गुनी हो जाती है, और उन नेताओं के साथ जो हजारों कार्यकर्ता है वो कैसे सड़क पर खड़े रह जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जगा रहे हैं, लेकिन वो जगने के क्रम में कहीं वो भटक ना जाए, इसलिए आरजेडी पत्र लिख करके और खास करके जगता बाबू पत्र लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं कि आप भटकिए मत। यानी कि ग्राउंड लेवल पर प्रशांत किशोर ने डेंट पहुंचाया है आरजेडी को, तो पत्र लिखे तो फीडबैक है, और ये फीडबैक है कि आपके लोग जो है वो बड़े पैमाने पर वहां खड़े हो रहे हैं और खड़े होकर के प्रशांत किशोर जी की बातों को सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े दिख रहे हैं। और अगर प्रशांत किशोर जी जिस तरह की घोषणा कर चुके हैं कि 2 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे,
अगर वो कहे हैं कि इससे हम इनकार नहीं करते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, अगर वो पार्टी खड़ा कर लेते हैं और आरजेडी के ही लोग अगर उनमें शामिल हो जाते हैं, तो आरजेडी के लिए तो कहीं ना कहीं से एक सेटबैक होगा। आरजेडी को ही वो कमजोर करेंगे, इसलिए तो वो पत्र लिख करके जिला वाइज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को टास्क दे रहे हैं कि देखिए आप उनको समझाइए कि उनके बहकावे में ना आए, बल्कि हमारी पार्टी जो लोहिया, जयप्रकाश और अंबेडकर के विचारों का वाहक है, उनके विचारों का पोषक है, आप उनके साथ खड़े रहिए। तो हाँ, ठीक आप बता रहे हैं कि सूचना तो है कि हमारी पार्टी के लोग अब बहुत दिन तक हमारी बात सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द पर रुकने वाली नहीं है, इसीलिए प्रशांत किशोर की बातें उनको अपील कर रही है, लेकिन डर है कि कहीं वो भटक करके प्रशांत किशोर जी के साथ ना खड़े हो जाए। पहले तो यही होता है ना कि पहले लोग सुनता है, तो सुनना तो शुरू कर दिया है प्रशांत किशोर को, अब सुनने के बाद अगर अगली कड़ी होगी कि ये प्रशांत किशोर की तरफ अगर मुखातिब होने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि घाटा तो आरजेडी को होगा, इससे कौन इनकार कर सकता। घाटा आरजेडी को होगा तो फिर फायदा इसे एनडीए को होगा, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने बताया है, विश्लेषण किया है खबरों का, हमने वो आप तक सीधा पहुंचा है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।